बजरंग बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके ब्रॉन्ज मेडल के लिए, डेब्यू ओलंपिक रहा आपके लिए, आप हमें बताइए योर एक्सपीरियंसेस बजरंग। धन्यवाद मैडम, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो भी चीजें यहाँ से हम एक मेडल की याद लेके जा रहे हैं, और पहला ओलंपिक था तो मेरे लिए काफी अच्छा रहा, और मैं कोशिश करूंगा पेरिस में इससे बेटर करूं और देशवासियों को दोबारा से खुशी का मौका दूं। और आज आप जो क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रहा है उसमें आप फ्लैग बेरर हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एथलीट के लिए, आप हमें बताइए योर फीलिंग्स अबाउट बीइंग अ फ्लैग बेरर। देखिए मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे झंडा दिया है क्लोजिंग सेरेमनी में, और सभी का धन्यवाद एक खिलाड़ी के लिए, इससे अच्छा शायद कोई भी एक मोमेंट नहीं हो सकता। बजरंग बहुत इमोशनल ओलंपिक्स रहा है हमारे लिए, हम सबके लिए, एक तरफ आपका बाउट था, फिर रवि कुमार दहिया का जीतना था, कल नीरज चोपड़ा ने जैसे फिनिश किया, ये कॉन्टिंजेंट के बारे में हमें बताइए, व्हाट इज द मूड इन द कॉन्टिंजेंट अभी? बिल्कुल, जितने भी बहुत से खिलाड़ियों का पहला ओलंपिक था और काफी अच्छा किया है खिलाड़ियों ने, और हमने 7 मेडल जीते, हमने और ज्यादा मेडलों की उम्मीद की थी पर हम 7 ही मेडल जीत पाए, पर जो पहले ओलंपिक थे हमने उनसे बेस्ट किया है, और कोशिश है कि पेरिस में इससे भी बेटर करें और हम 20-25 मेडल के नजदीक जाएं। पेरिस 3 साल बाद है, ये साइकिल छोटा हो गया है, आपको क्यों लगता है पेरिस, आपको लगता है पेरिस के लिए हमारे ग्राउंड तैयार हो गया है इससे ज्यादा मेडल आने के लिए? बिल्कुल, देखिए बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेडल के बिल्कुल नजदीक से वापिस आए हैं, तो मैं इसलिए देश की जनता से आपके माध्यम से भी, मैं पहले भी रिक्वेस्ट की अभी भी यही बोल रहा हूँ कि जो भी खिलाड़ी जो देश के लिए खेलने के लिए आता, चाहे वो ओलंपिक हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, खिलाड़ियों को सपोर्ट करिए, अगर वो मेडल जीत के आते तो भी और मेडल ना जीत के आते तो भी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बल से ही वो आगे जा रहे हैं, और आगे जाके वो देश के लिए मेडल जीतेंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करेंगे तो वो ये मन में उम्मीद लेके जाएंगे, यार इतने 130 करोड़ 135 करोड़ लोग हमारे को देख रहे हैं और इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। अगर आप एक बार मेडल नहीं जीत पाते उनको डिमोटिवेट करते रहेंगे तो वही उनके ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि यार मुझे करना पड़ेगा नहीं तो देशवासी क्या बोलेंगे, तो ये चीज बहुत मायने रखती है। बजरंग मुझे पहले पूछना चाहिए था लेकिन मैं अभी पूछ रही हूँ, आपका इंजरी कैसा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मैडम देखिए अभी आके डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि पहले मेरे को बुलाया था डॉक्टर ने, तो मैं बोला गया अभी मेरे लिए ट्रेनिंग जरूरी है, अभी मैं नहीं आ सकता, रशिया से वापस बुला रहे थे, तो अभी जाके डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद पता लगेगा कि भाई कितने दिन का रेस्ट करना है। जब इंजरी थी तो उन्होंने मेरे को 3 हफ्ते का रेस्ट बोला था कि भाई 3 हफ्ते का, तो आपको अभी कॉम्पिटिशन इसलिए हम बता रहे हैं, और अगर कॉम्पिटिशन नहीं होता तो 4 से 5 हफ्ते आपको रेस्ट करना ही करना था। जब रेसलिंग खेल रहे थे आप मैट पे थे, आपके माइंड में था कहीं ना कहीं कि मेरा नी इंजर्ड है, नी बचाकर चलना है मुझे? बिल्कुल, जब पहले कुश्ती लड़ी थी, पहले दिन लड़ी थी, तो उसमें दिमाग में यही चीजें थे, मूवमेंट नहीं हो रहे थे, अटैकिंग करने की कोशिश कर रहे थे पर दिमाग में होता यार नी है, नी से नहीं हो पाएगा, तो लास्ट जो बाउट थी उसमें मैंने दिमाग से निकाल के कि भाई आज मुझे जो पहले बाउट खेलता था वही बाउट खेलनी है, तो उसी माइंड से गया था, इसलिए मैंने टेप टाप कुछ नहीं लगाया, निकब भी नहीं लगाया, और उस हिसाब से मैं गया था खेलने के लिए। घर पे बात हुआ है, एंड व्हाट्स द रिएक्शन बीन लाइक घर पे? देखिए घर पे सभी खुश हैं, और ज्यादा खुश भी नहीं है कि भैया मैं, और ज्यादा अपेक्षाएं थी पर उनको पता है कि इंजरी थी, तो बोले कि कोई बात नहीं, आगे और भी टूर्नामेंट है उनमें अच्छा करिए, हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजरंग ये क्या वजह है कि आज के जेनरेशन के जो एथलीट्स है वो अपने ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल से खुश नहीं है, सब चाहते हैं कि गोल्ड जीते, क्या मतलब क्या इस जेनरेशन के मेंटालिटी कंप्लीटली चेंज हो गया है? बिल्कुल, देखिए जो भी खिलाड़ी आता है वो यही सोच के आता है कि मैं गोल्ड जीत के लेके जाऊं, और खुशी होती है हम मेडल जीतते हैं, पर जो खुशी हमें बेस्ट करके होती है वो खुशी शायद ब्रॉन्ज और सिल्वर में नहीं हो पाती, तो वो इसी कारण है कि, और ये नए खिलाड़ियों की सोच है कि हमें देश के लिए अच्छा करना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोग सपोर्ट करें, उन खिलाड़ियों पर दबाव ना बनाए, अब उनको ये बोले कि आप अच्छा करिए, हम आपके साथ, अगर आप कर रहे हैं जब भी हम, आप जीत के आओगे तब भी हम आपको इतना ही प्यार करेंगे, अगर आप निराश मत होना, हताश मत होना, आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, अगर कोशिश नहीं करोगे तो हम आपसे नाराज होंगे।
बजरंग दो आखिरी सवाल है. एक तो ये जो रेसलिंग का दौर चला है लंदन ओलंपिक से, लंदन में आप लोगों को मेडल मिला है, रियो में मिला है, और ये पिछले चार ओलंपिक से मेडल मिलता रहा है, क्या वजह है कि रेसलिंग हैज बिकम सच ए की स्पोर्ट फॉर इंडिया? बिल्कुल, देखिए सुशील भाई ने 56 साल बाद कुश्ती को जीवित करवाया था और उन्होंने 2008 में जब बीजिंग में मेडल जीता था तो मैं बहुत छोटा था, मैं 42 किलो में खेलता था उस टाइम पे, तो मैंने अपनी आंखों से देखा उनका सेलिब्रेशन, उनका मेडल जीतना, तो वो सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी. तो उस समय हमें भी था कि भाई एक दिन हम भी अपने देश के लिए मेडल जीते, और सुशील पहलवान ने भी कजाकिस्तान को हरा के शायद उस टाइम पे ब्रोंज जीता था, और मेरी भी कजाकिस्तान के साथ ही थी और ब्रोंज जीता, तो वो चीजें भी मेरे दिमाग में आई थी कि भाई हाँ जो सिचुएशन सुशील भाई की थी वही सिचुएशन मेरी है अभी 2008 में और 2020 में उनकी बाउट भी. तो उन्होंने कुश्ती को जीवित किया और लोगों की सोच चेंज की. उसके बाद 2012 में हमने 2 मेडल जीते, उसके बाद 16 में साक्षी ने मेडल जीता, उसके बाद 20 में भी हमने 2 मेडल जीते. तो रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो लगातार देश को ओलंपिक में 4 ओलंपिक मेडल दिए. आप इस मेडल किसको डेडिकेट करेंगे? देखिए सभी देशवासी हैं जो जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया, और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने हमारे आगे लड़के अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान नौसावर कर रहे हैं, और जो पहले 2 साल से हमारी हमारे आगे दीवार बन के खड़े हैं कि भाई आपको हम बचाएंगे पर आप हमारी बात सुन लीजिए, वो लोग जो अपनी जान नौसावर अपने परिवार को अपने परिवार की फिक्र ना करते हुए हमारी फिक्र कर रहे हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल मैं अपना मेडल डेडिकेट करूंगा. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बजरंग, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, कम बैक हैप्पी एंड हेल्दी. थैंक यू.